हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो हमने कल के लेक्चर तक एनिमल टिश्यूज की तीन टाइप्स जो थी वो कंप्लीट कर ली थी, है ना। मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड द कनेक्टिव टिश्यू, ये हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था वहाँ तक हमारी ये कंप्लीट हो चुकी। तो आज हम एनिमल टिश्यूज की लास्ट टाइप पढ़ेंगे, दैट इज द न्यूरल टिश्यू। आज हम न्यूरल टिश्यू के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, न्यूरल टिश्यू आप जानते हो ये हमारे नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है। नर्वस सिस्टम हमारा दो तरह का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। ये आप 10th में भी पढ़ते हो। तो वो जो सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसका ये जो न्यूरल टिश्यू है, ये नर्वस टिश्यू है, ये मेन कंपोनेंट है ना। थोड़ा ब्रीफली देखते हैं। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है CNS, ये किस किस से बना होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, है ना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इससे हमारे पास जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है हमारा। और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये किससे बना होता है? नर्व से। मतलब कि वो नर्व्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स हमारी बाकी बॉडी पार्ट्स तक जाती हैं, वो हमारा क्या बनाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। ये आप 10th में पढ़ते हो। तो ये हमारा दो तरह के नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बनता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, पेरिफेरल बनता है नर्व से। तो ये जो दोनों सिस्टम्स है हमारे नर्व से, तो न्यूरल टिश्यू का मेन कंपोनेंट है, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वल टिश्यू है, ये इसे हमारा बना होता है मेन दो कंपोनेंट से, दो तरह के सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? दो तरह के सेल्स होते हैं इसमें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। कौन कौन से सेल्स होते हैं? पहले इसमें होते हैं हमारे पास नर्व सेल्स, क्या होते हैं? नर्व सेल्स। और दूसरे होते हैं इसमें हमारे पास ग्लियल सेल्स, ठीक है। नर्व सेल्स और ग्लियल सेल्स जो दो तरह के सेल्स होते हैं जो बनाते हैं हमारा न्यूरल टिश्यू, ठीक है। जो न्यूरल नर्व सेल्स हैं इनको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स, ठीक है। और जो ग्लियल सेल्स होते हैं दीज आर द न्यूरोग्लिया, इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लिया भी बोलते हैं, राइट। न्यूरोग्लिया मतलब कि ग्लियल सेल्स ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये जो न्यूरल टिश्यू है हमारा, नर्वस सिस्टम है उसका मेन कंपोनेंट है, और उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं हमारे पास, नर्व सेल्स जिनको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, और ग्लियल सेल्स जिनको हम न्यूरोग्लिया भी बोलते हैं, ठीक है। तब थोड़ा हम इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स आप जानते ही हो, हमारी बॉडी में दो तरह की नर्व्स होती है ना, दो तरह की नर्व्स होती हैं। एक वो नर्व्स जो सिग्नल जो है जनरेट करती हैं, ठीक है। देखो, सिंपल वे में आप समझो, जैसे मुझे कोई चीज हॉट लग रही है, ठीक है, हॉट लग रही है, तो मेरे को क्या चाहिए कि मैं फटाफट से अपना हाथ पीछे करूंगी, है ना। अब जान दो, ये रिफ्लेक्स एक्शन विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होता है, राइट। तो जैसे मेरे को कोई चीज हार्ड लग रही है तो मेरे को पीछे करना है, तो वो जो सिग्नल है ब्रेन में पहले जनरेट होगा ना, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम में वो सिग्नल पहले जनरेट होगा कि मतलब कोई चीज मेरे को हॉट लग रही है और मेरे को पीछे करना है। तो वो जो सिग्नल जनरेट होता है, वो जो नर्व्स मतलब सिग्नल जनरेट करने में हेल्प करती हैं, उनको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी, या फिर इनको हम बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स, क्या बोलेंगे? एफरेंट न्यूरॉन्स, सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स, की वो न्यूरॉन्स या वो नर्व सेल्स जो सिग्नल को जनरेट करते हैं, इंपल्सिस जो जनरेट करते हैं, है ना। तो सिंपल वर्ड्स में आप देखो, ऐसे समझो, अभी देखो ये जो मसल से, मतलब सपोज मेरे को हाथ को पीछे करना है ना, मेरे को कोई चीज मतलब हार्ट लगी है, तो जब मेरे को अपने हैंड को पीछे करना है तो ये मसल्स के थ्रू ही सिग्नल जो है ब्रेन तक जाएगा ना, है ना। तो आप जानते हो ये जो हमारा रेस्ट बॉडी पार्ट होता है वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, है ना, जो रेस्ट ऑफ द जो नर्व्स हमारी बॉडी में होती है। तो मतलब कि सिंपल वे में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से वो सिग्नल कहाँ जा रहा है, कहाँ पे जाएगा? स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड्स होके हमारे ब्रेन में जाएगा, है ना। तो सिंपल वर्ड से आप बोल सकते हो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां तक जो इन्फॉर्मेशन है वो जाती है ना। मतलब मेरा हैंड का पीछे करना, हैंड मतलब मेरे हैंड को कोई चीज गर्म लग रही है, तो ये क्या है हमारा? मेरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो नर्व से बन रहा है। तो ये नर्व्स क्या करेंगी? सिग्नल को भेजेंगी फटाफट से मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, है ना, ब्रेन तक भेजेंगी थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। तो मतलब कि एक तरह से जो इन्फॉर्मेशन है ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती है, मेरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे, ताकि जो सिग्नल जो है वो जनरेट हो पाए, है ना। सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे बोल सकते हो। तो सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स क्या है? ये हमारी बॉडी में जो क्या बोलते हैं आप, सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो कि इन्फॉर्मेशन को सेंड करती है कहां से?
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, राइट। और ये क्या करती है, इंपल्सिस को जनरेट करती है, जो सिग्नल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारी बॉडी में फटाफट से, वो जो सिग्नल्स जनरेट करते हैं वो कौन करते हैं, सेंसरी या एफ्रंट न्यूरॉन्स करती है, ठीक है। हमने देखा एक तरह की न्यूरॉन है हमारे पास। फिर देखो ये तो सिग्नल जनरेट हो गया मेरी बॉडी में, ठीक है, मेरे को कोई चीज हार्ड लगी, सेंसरी न्यूरॉन्स ने वो सिग्नल भेजा, हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट हो चुका है। अब वो सिग्नल मेरे ब्रेन में जनरेट हो गया, अब उसको वापस कहाँ आना है, मेरे हैंड तक आना है, ताकि वो जो एक्शन है मैं हाथ को पीछे करूं, है ना। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है या जो सिग्नल है जो मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक आएगा, है ना, ब्रेन से मतलब मसल्स तक आएगा, वो जो न्यूरॉन्स लेके आती हैं सिग्नल को, वो होती हैं मोटर न्यूरॉन्स, उनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं, या फिर उनको हम बोलते हैं इफ्रंट न्यूरॉन्स। क्या बोलेंगे, इफ्रंट न्यूरॉन्स, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हो मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगी, मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेके आएंगी, है ना। और मेरे आपने क्या देखा, जैसे ही सिग्नल आया तो फटाफट से हाथ पीछे होगा, है ना, मतलब मूवमेंट होगी। तो जो भी मूवमेंट होती है वो किसके थ्रू होती है, मोटर न्यूरॉन्स और इफ्रंट न्यूरॉन्स से, ठीक है। देखो ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है मेनली ये क्या चीजें डिटेक्ट करती है, मेनली अगर टेम्परेचर है कोई, प्रेशर है, या समवट पेन, जैसे हमारी बॉडी में कोई पेन हो रही है, तो वो जो चीजें इंपल्सिस जो जनरेट होती हैं उनके विद रेस्पेक्ट में, वो होती है सेंसरी न्यूरॉन से, किससे होंगी, सेंसरी न्यूरॉन से। और जो मोटर न्यूरॉन्स होती है ये सिंपली हमारी बॉडी में जो मूवमेंट इनिशिएट होती है, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो इसमें हेल्प करती है, ठीक है, कौन, मोटर या इफ्रंट न्यूरॉन्स, ठीक है। फिर हमारे पास एक और तरह की न्यूरॉन होती है जिनको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। क्या बोलेंगे, इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स क्या है, ये सिंपली जो हमारी मोटर या इफ्रंट न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स या फिर सेंसरी न्यूरॉन्स, इनको ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती हैं, है ना। देखो मतलब सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करूं, उन्होंने क्या करना है, मेरे हाथ से जो सिग्नल है उसको ले जाना है कहां तक, मेरे ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो मतलब कि सेंसरी न्यूरॉन्स को का भी एक तरह से कनेक्शन होगा कहां, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, है ना। और जब वापस उस सिग्नल को आना है, मतलब मेरे ब्रेन से वापस हाथ तक आना, तो वो सिग्नल भी कनेक्ट होगा, तो वो जो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स की कनेक्शन होती है, मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स की कनेक्शन होती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, वो होती है थ्रू द इंटर न्यूरॉन्स, उसमें इंटर न्यूरॉन्स जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास तीन तरह के न्यूरॉन्स। तो क्या देखा हमने, जो हमारा न्यूरल टिश्यू है उनमें जो नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो तीन तरह के होती है। सबसे पहले कौन, सेंसरी या एफ्रंट न्यूरॉन्स, ये क्या करते हैं, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो है वो इन्फॉर्मेशन को ले जाते हैं और क्या करते हैं, सिग्नल जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है। और फिर दूसरी क्या है, मोटर या इफ्रंट न्यूरॉन्स, ये क्या करेंगी, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक जो है फिर से वापस इन्फॉर्मेशन को ले आएंगे और ये क्या करती है, मसल्स की मूवमेंट जो है वो इनिशिएट करती है, ठीक है। देखो मेरे को पता है कि मेरे को अभी बोलना है, मेरे को बोलना है, मेरे को सोना है, या कोई भी एक्टिविटी मैं परफॉर्म करती हूँ तो उसमें मूवमेंट ही होती है ना, तो उसमें जो सारा रोल आता है वो मोटर न्यूरॉन्स का आता है, मोटर न्यूरॉन्स या इफ्रंट न्यूरॉन्स, राइट। उसके बाद फिर आती है इंटर न्यूरॉन्स, और ये क्या करती है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो दूसरी सेंसरी और इफ्रंट न्यूरॉन्स होती हैं, सेंसरी या मोटर न्यूरॉन्स, उनके साथ जो है कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये था किसकी, तीन तरह की न्यूरॉन्स के बारे में, ठीक है। अब हमने न्यूरॉन्स का देखा, अब हम पढ़ेंगे ग्लियल सेल्स के बारे में, ठीक है। देखो ग्लियल सेल्स, इनको हम न्यूरोग्लिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, मेन हमारी जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स, उनके जो ग्लियल सेल्स है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं न्यूरोग्लिया, ठीक है। देखो ये न्यूरोग्लिया, इनका क्या काम है, अब ये क्यों प्रेजेंट है, देखो ये जो न्यूरल टिश्यू होता है उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, और मेनली एक तरह से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमारे न्यूरॉन को, हमारे जो न्यूरॉन या नर्व सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया कि जैसे ही कोई चीज आई, इंफॉर्मेशन पहुंचे ब्रेन तक, तो सिग्नल जनरेट होगा ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट होता है, और आप जानते हो ये जो सिग्नल है ये केमिकल की फॉर्म में जनरेट होता है ना, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, है ना, वो केमिकल्स रिलीज करता है ब्रेन, जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, और वही फिर आगे जाके हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं, अब देखो हमारी बॉडी में सपोज यहाँ पे एक न्यूरॉन है, तो सिर्फ यहाँ ही थोड़ी है, बट सर सराउंडिंग में कितनी सारी न्यूरॉन्स ऐसे ऐसे यहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगी, तो मतलब कि कलेक्टिवली बड़ी सारी न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है तो मतलब दूसरी जो न्यूरॉन्स है वो भी तो डैमेज हो सकती है ना, है ना।
दूसरी न्यूरॉन्स भी डैमेज हो सकती हैं। तो उस डैमेज को से उसको न्यूरॉन को बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास ग्लियल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्लियल सेल्स। तो ये एक तरह से न्यूरॉन्स पे इंसुलेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन बनाते हैं, ताकि एक दूसरे से न्यूरॉन्स जो है वो मतलब कि लिंक ना हो जाए और डैमेज ना हो जाए, कि सिग्नल्स जो है वो क्रॉस ना हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, सपोज यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, तो अगर कोई इनके बीच में कोई बैरियर नहीं है, कोई इंसुलेशन नहीं है, तो वो इसमें भी जा सकता है, इसमें भी और इसमें भी जा सकता है ना। तो बाकी जो रेस्ट न्यूरॉन्स होंगी वो डैमेज हो सकती है, तो उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास ग्लियल सेल्स होते हैं। ठीक है, देखो आपने टेंथ में जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो हमें वहां पे एक माइलिन शीट पढ़ाई जाती है ना, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट होती है, मैं भी आपको दिखाऊंगी आज। तो वो जो माइलिन शीट होती है वो भी एक तरह से इंसुलेशन ही है, वो इंसुलेशन ही होती है एक्सॉन के ऊपर, ताकि वो जो एक पर्टिकुलर न्यूरॉन है उसका सिग्नल दूसरी न्यूरॉन के साथ क्रॉस ना हो जाए, या दूसरी न्यूरॉन उसकी वजह से डैमेज ना हो जाए। तो वहां पे जो रोल आता है इसका माइलिन शीट का, और वहां पे कौन बनाता है, वो जो शिवान सेल्स होते हैं ना एक्सॉन के अंदर, शिवान सेल्स होते हैं, या टेंथ में पढ़ते हो सारा डिटेल में। तो वो जो शिवान सेल्स होते हैं वो एक तरह से ग्लियल सेल्स ही हैं, वो क्या है, ग्लियल सेल्स ही हैं जो प्रोटेक्टिव शीट या माइलिन शीट बनाते हैं एक्सॉन के ऊपर। ठीक है, तो ये था किसका, न्यूरोग्लिया का। ये क्या है, ये ग्लियल सेल्स हैं, सेल्स हैं जो न्यूरॉन के सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं और एक तरह से बैरियर बनाते हैं कि न्यूरॉन्स के बीच में एक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनके सिग्नल्स जो है वो मतलब क्रॉसिंग ना हो जाए, या बाकी न्यूरॉन्स जो डैमेज नहीं हो जाए। और ये न्यूरॉन्स जैसे हमने देखा बड़ी तरह के होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल माइक्रोग्लिया, कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता रही हूँ आपको, माइक्रोग्लिया, या फिर जैसे हमारे न्यूरॉन में पढ़ते हैं शिवान सेल्स, है ना, शिवान सेल्स। तो ये जो शिवान सेल्स है या माइक्रोग्लिया है, ये क्या है, ये न्यूरोग्लिया ही है, ये ग्लियल सेल्स ही है। माइक्रोग्लिया क्या है, ये वो सेल्स हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। ठीक है, हमारे ब्रेन को जो फॉरन कोई चीज अगर हार्मफुल है उससे बचाएंगे, एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म जो शो करते हैं वो कौन से होते हैं, माइक्रोग्लिया। ये बेसिकली मैक्रोफेजिस ही है। हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू में, जब मैंने आपको ब्लड पढ़ाया था, मैंने वहां पे आपको बताया था कुछ मैक्रोफेजिस होते हैं हमारे टिश्यूज में, है ना। तो वो जो बेसिकली माइक्रोग्लिया, ये मैक्रोफेजिस ही है जो हमारे ब्रेन में इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करते हैं, राइट। और शिवान सेल्स मैंने अभी आपको बताया, ये माइलिन शीथ जो इंसुलेशन है वो बनाती है। ठीक है, तो ये था किसका, ग्लियल सेल्स के बारे में। ठीक है, हमने देख लिया इसकी न्यूरल टिश्यू की कंपोजिशन, की किस किस से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा ब्रीफ इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें कि ये है क्या। अगर हम एक पर्टिकुलर न्यूरॉन की बात करें तो उसमें हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये आप टेंथ से भी पढ़ते आ रहे हो। अगर हम एक पर्टिकुलर न्यूरॉन की बात करें, पर्टिकुलर न्यूरॉन ने, तो उसमें हमारे पास क्या क्या होता है ना। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, ये हमारे पास एक न्यूरॉन है। ये क्या है, दिस इज द न्यूरॉन, ये न्यूरॉन है या नर्व सेल है हमारे पास। अब इसमें क्या होगा, ये आप देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक ये जो ब्रांच जैसी है या फिलामेंट आप बोल सकते हो, ये इतना सा पोर्शन है, जो इतना सा, ये क्या है, दिस इज द एक्सॉन, ये क्या है, एक्सॉन है। ठीक है, और ये कहां से अराइज होती है, ये हमारे पास ये जो सेंटर में इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वाला, इस तरह से देखो, इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, फिर यहां से हमारे पास जो है एक्सॉन अराइज होगी। तो ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर है, दिस इज द सेल बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी, इसको बोलेंगे हम सेल बॉडी। और इस सेल बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगी, क्या बोला मैंने, इस सेल बॉडी के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं, सेल बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। और जो सेल बॉडी है ये मेन कंपोनेंट है किसका, न्यूरल टिश्यू का, या न्यूरॉन का बोल सकते हो। ठीक है, फिर इस सेल बॉडी से हमारे पास एक लॉन्ग फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर अराइज होता है इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, दिस इज द एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो अराइज होता है कहां से, सेल बॉडी से अराइज होता है। और इसका काम बेसिकली इतना ही, एक कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, एक न्यूरॉन की दूसरी न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, फिर देखो इस एक्सॉन के अंदर हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं इस तरह से, एक्सॉन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं शिवान सेल्स। क्या बोलते हैं, शिवान सेल्स। देखो मैंने आपको ग्लियल सेल्स में भी बताया शिवान सेल्स, फिर उसकी एग्जांपल, तो ये शिवान सेल्स यहाँ पे आ गए। तो ये भी क्या है, तरह से देखो ये नर्व सेल है और ये तो आ गया इसका ग्लियल सेल्स। तो ये दो पार्ट्स ने मिलकर यहाँ पे क्या बना दिया, एक पर्टिकुलर न्यूरल टिश्यू बना दिया, या न्यूरॉन बना दी। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास शिवान सेल्स। और मैंने आपको क्या बताया, शिवान सेल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है जनरेट करते हैं एक्सॉन के सराउंडिंग में, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या बनाएंगे यहाँ पे, इस तरह से आप माइलिन शीट बना सकते हो। ये क्या हो गई हमारे पास, दिस इज द माइलिन शीट, ही इंसुलेशन हमारे पास बन चुकी है, दिस इज द माइलिन
ये हमारे पास माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ हमारे पास बन गई, प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई है, इंसुलेशन बन गई है, ताकि अगर इसके सराउंडिंग में कोई और न्यूरॉन है तो उनके बीच में सिग्नल्स जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्रॉसिंग नहीं होगी और जो दूसरी न्यूरॉन है वो डैमेज नहीं होगी, ठीक है। तो एक तरह से बैरियर बनाता है दो न्यूरॉन्स के बीच में। और फिर इस न्यूरॉन एक्सॉन के एंडिंग में यहाँ पे कुछ नर्व एंडिंग्स होती है, ये क्या है, नर्व एंडिंग्स है, ठीक है। अब देखो ये है हमारे पास सेल बॉडी, तो ये जो इसकी सरफेस होगी इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं ना, क्योंकि सेल बॉडी है और इसके अंदर इसकी मेम्ब्रेन को हम बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो इससे जितने भी प्रोजेक्शंस होंगी उनको हम बोलते हैं प्रोसेसेस, क्या बोलते हैं, प्रोसेसेस। प्रोसेसेस क्या है, सिंपली प्रोजेक्शंस हैं जो सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं। क्या बोला मैंने, सेल बॉडी की सेल मेम्ब्रेन से जो प्रोजेक्शंस अराइज होंगी उनको हम बोलते हैं प्रोसेसेस, ठीक है। और देखो अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो इसमें जो हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ से कोई प्रोजेक्शन समवर्ट इस तरह से राइज हो जाती है ना, इस तरह से कोई प्रोजेक्शन आ जाती है हमारे पास, तो वो क्या बनेगी, हमारे पास प्रोसेसेस बनेगी। और नर्व के केसेस में हम उनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, क्या बोलेंगे, दीज आर द डेंड्राइट्स, ठीक है, ये डेंड्राइट्स हैं। और डेंड्राइट्स का देखो, डेंड्राइट्स का मेन रोल यही है, अब देखो यहाँ पे ये डेंड्राइट्स है, ये ओरिजिनेट हुआ है, तो यहाँ पे भी कोई और एक नर्व होगी है ना, न्यूरॉन होगा, तो दो न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन में ये हेल्प करता है। क्या बोला मैंने, दो न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, उनके बीच में जो सिग्नल है उनको ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। एक नर्व से न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल्स की जो ट्रांसमिशन होती है उसमें ये हेल्प करते हैं डेंड्राइट्स। और साइनेप्सिस में भी मेनली, साइनेप्सिस क्या होते हैं, क्या बोला मैंने, साइनेप्सिस क्या है, दीज आर द स्पेशलाइज्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सिंपल वर्ड्स में आप बोलो कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। तो डेंड्राइट्स मेनली क्या करते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच में या फिर साइनेप्सिस में जो है सिग्नल ट्रांसडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये होल सम में था किसका, न्यूरल टिश्यू का। ये देखो डायग्राम में, ये हमारे पास सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस आ गया, ये डेंड्राइट्स है, ये हमारे पास एक एक्सॉन है जिसके ऊपर हमारे पास शिरोन सेल्स ने माइलिन शीट जो है बनाई हुई है, इंसुलेशन जो है वो बनाई हुई है। और ये क्या है, दीज आर द नर्व एंडिंग्स, ठीक है, न्यूरॉन नर्व एंडिंग्स है, जहां से ये नर्व्स जो है दूसरे दूसरे न्यूरॉन के साथ जो है वो जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। तो ये होल समय था न्यूरल टिश्यू का, थोड़ा ब्रीफ है, रिमाइंड करते हैं, रिकैप करते हैं, क्या पढ़ा हमने, न्यूरल टिश्यू क्या है, ये मेन कंपोनेंट है हमारा सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन बनाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल क्या, जो जितनी भी रेस्ट ऑफ द बॉडी में हमारी जो नर्व्स होंगी वो बनाएगी हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इसमें हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स, इनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, या ग्लियल सेल्स, या जिनको हम न्यूरोग्लिया बोलते हैं। और न्यूरॉन्स हमारे पास कितनी तरह की थी, एक वो न्यूरॉन्स जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मसल से जो है ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन लेती है, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगी उनको हम बोलते हैं सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन्स। और दूसरी होती है जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से हमारे मसल तक लाती है, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक लाएंगी, उनको हम बोलते हैं मोटर या एफरेंट न्यूरॉन्स। और कुछ इंटर न्यूरॉन्स भी होती है जो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स को किससे कनेक्ट करती है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो ग्लियल सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लिया होते हैं, क्या करते हैं, एक तरह से इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनकी क्रॉसिंग ना हो जाए या न्यूरॉन्स जो है वो डैमेज ना हो जाए, ठीक है। जैसे माइक्रोग्लिया हो गया जो हमारी ब्रेन में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, या शिरोन सेल्स जो माइलिन शीथ बनाते हैं, ठीक है। फिर हमने थोड़ा ब्रीफ में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूरल टिश्यू। तो आज इसी के साथ हमारे एनिमल टिश्यूज जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो अभी तक हमने सेकंड यूनिट में प्लांट टिश्यूज कंप्लीट कर लिए, एनिमल टिश्यूज भी आज हमारे कंप्लीट हो गए। तो अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे कल विद द मॉडिफिकेशंस ऑफ द प्लांट पार्ट्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।